अगर आप यूनिवर्सिटी असाइनमेंट राइटिंग करना चाहते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट दी जाएंगी जिसमें आप 35,000 से लेके 50,000 तक मंथली कमा सकते हैं। आपने जस्ट यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स को राइट करना होता है, राइट करके सबमिट करवाना होता है। तो चलें चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और सीखते हैं कि असाइनमेंट्स को राइट करके पैसे कैसे कमाने हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है क्विकर जॉब। तो जैसे ही आप सर्च करते हैं काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट आपके सामने आ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें ये भी क्विकर की वेबसाइट है। थोड़ा सा नीचे आते हैं और भी यहाँ पे ये भी देखें क्विकर की वेबसाइट है। ऊपर आते हैं अब यहाँ पे ये वेबसाइट दी गई है। थोड़ा सा नीचे यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ऑनलाइन असाइनमेंट वर्क 2024 जॉब वैकेंसीज। अब यहाँ पे इस वाली वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट को जैसे ही आप ओपन करते हैं इनकी ऑफिशियल साइट आपके सामने ओपन होके आ जाती है। अब यहाँ पे आप असाइनमेंट राइटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपनी असाइनमेंट राइटिंग की जॉब को पोस्ट भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप यहाँ पे असाइनमेंट राइटिंग के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें काफ़ी ज़्यादा असाइनमेंट राइटिंग की जॉब आ जाती हैं। यहाँ पे आपने ऊपर सर्च कर लेना है ऑनलाइन असाइनमेंट्स वर्क। थोड़ा सा नीचे आते हैं अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए सारे के सारे फिल्टर आपको दिए जाते हैं, सारी की सारी कैटेगरीज दी जाती हैं। उसके अलावा थोड़ा सा नीचे आते हैं यहाँ पे सारी मंथली सैलरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है और यहाँ से आप कितनी सैलरी कमाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। उसके बाद जॉब टाइप आ जाता है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप फुल टाइम काम करना चाहते हैं, पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, ठीक है, इंटर्नशिप पे काम करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, ये आप यहाँ पे टाइप को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे ऑप्शन आता है कंपनी का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आप कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो, वरना आपने किसी कंपनी को सेलेक्ट नहीं करना। ऊपर आ जाते हैं इनमें से कोई भी आप कैटेगरी जो है उसको चूज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे देखें वांटेड ऑफिस वर्क असाइनमेंट्स का है। थोड़ा सा नीचे आते हैं वर्क फ्रॉम होम जॉब असाइनमेंट राइटिंग वर्क फ्रॉम स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखें मंथली सैलरी आपको दी जाती है 35,000 से लेके 40,000 तक आप मंथली सैलरी ले सकते हैं। उसके अलावा ऊपर आते हैं यहाँ पे देखें 25,000 से लेके 35,000 तक आपको सैलरी दी जाती है। ऑफिस असिस्टेंट मतलब हेल्पर इनको चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे ऊपर आते हैं तो यहाँ पे देखें इसी तरह ये एक जॉब मैंने ओपन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने अपनी सैलरी जो है उनको मेंशन किया हुआ है, क्योंकि ये इंडियन प्राइस आ रही है, क्योंकि ये जो वैकेंसीज हैं ये इंडिया के अंदर है और आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, मतलब घर बैठ के काम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखें पोस्ट फ्री जॉब, आप यहां पे बिल्कुल फ्री जॉब जो है उसको पोस्ट कर सकते हैं और इसके अलावा आपने यहां पे किसी किस्म की कोई भी फी नहीं देनी होती, आपने बिल्कुल यहां पे फ्री काम करना होता है। अब यहाँ पे हम लोग किसी भी एक जॉब के ऊपर अप्लाई करेंगे। इनके कुछ पेड ऑप्शन है, आपने उनको यूज़ नहीं करना क्योंकि यहाँ पे हमने बिल्कुल फ्री काम करना है। थोड़ा सा नीचे आते हैं अब यहाँ पे हम लोग किसी भी एक जॉब के ऊपर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप सैलरी देख सकते हैं पार्ट टाइम फुल टाइम जिसके ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें वर्क फ्रॉम होम जॉब असाइनमेंट राइटिंग फॉर स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर अप्लाई करने वाला हूँ और इसके अलावा यहाँ पे आपने जस्ट इसी एक जॉब के ऊपर अप्लाई नहीं करना, और भी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं, आप उनके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप एक ही जॉब के ऊपर सारे बंदे अप्लाई करते हैं इसी वजह से काफ़ी बंदों को वर्क जो है वो नहीं दिया जाता। अब यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ का बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने एक नोट दिया गया है, आपने इस नोट को पढ़ लेना है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपने इंग्लिश टू उर्दू करना है गूगल के ऊपर और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है। यहाँ पे देखें उसको मैंने पेस्ट किया, इंग्लिश यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने उर्दू को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉड एजेंटों से होशियार रहें, नौकरी हासिल करने के लिए पैसे ना दें। मतलब कि यहाँ पे आपने बिल्कुल फ्री काम करना है, आपने किसी बंदे को कोई पैसे नहीं देने। अगर कोई बंदा आपसे पैसे मांगता भी है तो तब भी यहाँ पे आपने पेमेंट नहीं देनी। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है नेम का, आपने अपना नेम मेंशन करना है। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, ईमेल एड्रेस देने के लिए देने के बाद आपने अपना फ़ोन नंबर देना है। फ़ोन नंबर देने के बाद यहाँ से अब आपने अपनी कंट्री को सेलेक्ट करना होता है, अपनी लोकेशन को सेलेक्ट करना होता है। लोकेशन को सेलेक्ट करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी मुश्किल आएगी, जैसे कि यहाँ पे देखें मैंने अपनी मेल दी, मेल देने के बाद अपना नेम मेंशन किया और यहाँ पे मोबाइल नंबर की जगह पे उन्होंने 91 मेंशन किया हुआ है। मतलब कि आप इंडिया के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आपने कोई भी रैंडम जो है वो नंबर डाल देना है, मतलब ये मेरा नंबर नहीं है, आपने भी कोई रैंडम नंबर डाल देना है। उसके अलावा यहाँ से जो लोकेशन है ना वो आपने कोई भी सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पे आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करना है। अगर आपको व्हाट्सअप के ऊपर जॉब चाहिए, मतलब व्हाट्सएप के ऊपर आपको अपडेट्स चाहिए, तो आपने इसको एग्री करना है, वरना आपने इसको एग्री नहीं करना। अब यहां पे आपका अपना फोन नंबर तो है नहीं, इस वजह से आपने इसको एग्री नहीं करना। उसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन वाले बटन पे क्लिक कर देना है।
तो जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने सैलरी कितनी लेनी है, आप रुपीज़ के अंदर बताएं। मतलब कि आप 40,000 तक सैलरी लेना चाहते हैं, आपने वो मेंशन कर देनी है। 35-40 तक आपने सैलरी मेंशन करनी है, इससे कम भी नहीं करनी और इससे ज़्यादा भी नहीं करनी। उसके बाद यहाँ पर देखें, वो कह रहे हैं कि आपका इंग्लिश स्कोर कितना है। आप इसको अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, वरना यहाँ पर क्लिक नहीं होगा। थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपका लैपटॉप, आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप मोड है, क्या है, तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर मतलब आपके पास मोबाइल है तो आप उसको डेस्कटॉप मोड कर सकते हैं। आपने थ्री डॉट पे क्लिक करना है और वहाँ पे ऑप्शन आएगा डेस्कटॉप मोड, तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे मेरे पास लैपटॉप है, मैं लैपटॉप को चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप को भी चूज़ कर लूँगा। थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब यहाँ पे आपकी प्रोफाइल का स्कोर भी बताया जा रहा है कि आपकी प्रोफाइल 64% कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। आपने यहाँ से इंग्लिश को चूज़ कर लेना है। उसके अलावा यहाँ पे उर्दू का ऑप्शन है, पंजाबी का ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो भी आपको लैंग्वेज आती है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब यहाँ पे आप मॉर्निंग शिफ्ट करना चाहते हैं, इवनिंग करना चाहते हैं, नाइट या एनी शिफ्ट करना चाहते हैं। आप कोई भी शिफ्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एनी शिफ्ट कर सकते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट करना चाहते हैं मॉर्निंग कर सकते हैं, इवनिंग करना चाहते हैं तो इवनिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैंने इवनिंग सेलेक्ट किया, आपने अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। जिस टाइम पर आप अवेलेबल होंगे उस टाइम की आपने शिफ्ट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे जेंडर पूछा जाता है, आपने जेंडर को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अगेन वही आपसे ऑप्शन पूछा जाता है कि आप इसको एग्री करें कि आपको व्हाट्सएप के ऊपर डिटेल चाहिए या नहीं चाहिए। तो आपने इसको एग्री नहीं करना क्योंकि आपका अपना फोन नंबर नहीं है। जो इंडिया के अंदर, जो मेरी ऑडियंस इंडिया के अंदर देख रही है, वो इसको एग्री कर सकते हैं क्योंकि आपका व्हाट्सएप होगा, आपको व्हाट्सएप के ऊपर डिटेल भी दी जाएंगी। लेकिन आपने पैसे बिल्कुल भी नहीं देने, इन्होंने खुद भी यहाँ पर रिक्वायर किया हुआ है कि आपने पेमेंट नहीं देनी। उसके बाद आपने सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना है। यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है थैंक यू, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सेंडेड। अब यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन सेंड हो चुकी है, आंसर अपडेटिंग। अब यहाँ पे आपको आंसर किया जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आप 30 मंथ जो है वो बिल्कुल फ्री काम कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपने पैकेज चूज़ किया है वो बेसिक किया है, मतलब कि 30 महीने तक आप यहाँ पे बिल्कुल फ्री काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इनका कोई वीआईपी प्लान बाय करना चाहते हैं, आप यहाँ से उस प्लान को भी बाय कर सकते हैं। ये अनलिमिटेड होता है, इसमें कोई भी मंथ नहीं दिए जाते हैं, मतलब कि ये लाइफ टाइम, जब तक ये वेबसाइट है तब तक आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर आप वीआईपी को चूज़ नहीं करना चाहते तो आप 30 मंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, 2-3 साल होते हैं, तो आप यहाँ पे 2-2.5 साल बनते हैं, ठीक है। तो आप 2-2.5 साल यहाँ पे काम कर सकते हैं अगर आपको वर्क मिल जाता है तो। अब यहाँ पे इनकी सारी की सारी वही अगेन रिक्वायरमेंट दी जाती हैं, तो आपने इसको क्रॉस कर देना है। क्रॉस करने के बाद यहाँ पे आपको अगेन डैशबोर्ड पे ले आएगा और यहाँ से आपने किसी भी मतलब जो जॉब है उसके ऊपर अप्लाई कर देना है। यहाँ पे देखिए मेरे सामने फ़ोन नंबर का ओटीपी आया था कि आप यहाँ पे जो आपने फ़ोन नंबर दिया है उसको वेरीफाई करें, लेकिन हमारे पास फ़ोन नंबर नहीं है, इस वजह से हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आपने मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको गाइड कर दूंगा कि आपने इंडियन फ़ोन नंबर जो है वो कहाँ से लेना है। कुछ एप्लीकेशन होती हैं, आप उनमें से भी इंडियन फ़ोन नंबर निकाल के उनको वेरीफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा वैसे तो सारी चीज़ें जो है वो आपको आपकी मेल के थ्रू ही बताई जाती हैं, जस्ट वो अपडेट्स के लिए उन्होंने व्हाट्सअप दिया हुआ है, तो आपने अपने फ़ोन नंबर को वेरीफाई करना होता है। लेकिन आप पाकिस्तान के इंडिया के अंदर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, इस वजह से आप अपने नंबर को वेरीफाई नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप कोई भी ब्लॉगिंग का कोर्स करना चाहते हैं, असाइनमेंट राइटिंग करना चाहते हैं, वीडियो एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, आपने उसको लाजमी से वॉच आउट करना है और उसके ऊपर अप्लाई करना है।